हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पाराशर लेकर आया हूं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट इंग्लिश। इंग्लिश हमारे लिए एग्जाम में बहुत बड़ा हर्डल है। इंग्लिश में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। इंग्लिश लिखने में भी प्रॉब्लम है, इंग्लिश बोलने में भी प्रॉब्लम है, और सिनोनिम एंटोनिम्स में जब वर्ड्स आ जाते हैं तो ये इंग्लिश जो है एक बहुत बड़े पहाड़ के समान लगने लगती है। और मेरे पास कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते रहते हैं कि सर, इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वोकैबुलरी, यानी वर्ड्स याद करना। हमें वर्ड्स याद नहीं हो पाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं वर्ड्स, और कुछ दिनों बाद जब उन्हीं वर्ड्स को हम दोबारा देखते हैं तो वो वर्ड्स हमें याद नहीं रह पाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रोसेस, एक जादू, एक इन्वेंशन, जिसकी मदद से आप वोकैबुलरी को बहुत आसानी से अपने दिमाग में लंबे समय तक रख पाएंगे। इस प्रोसेस का नाम है वोकैबमेट्री। वोकैबमेट्री एक ऐसा इन्वेंशन है जिसकी मदद से आप वर्ड्स बहुत आसानी से और बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। चलिए अब कुछ वर्ड्स देखते हैं जो वोकैबमेट्री की मदद से हम लोग याद करने वाले हैं। मैं आपको बता चुका हूं वोकैबमेट्री में जो मेरा इन्वेंशन है वो कोऑर्डिनेट्स का इन्वेंशन है। मैंने 174 कोऑर्डिनेट्स के लिए 174 कैरेक्टर डेवलप करे हैं, जो एक अलग ही जादुई दुनिया में आपको लेके जाते हैं, कार्टून वर्ल्ड में लेके जाते हैं, और जहां से आप हजारों वर्ड्स याद करते हैं। चलिए तो जो पहले हम लोग वर्ड्स देखने वाले हैं आज, सबसे पहले उन पे नजर डालते हैं। पहला वर्ड है एस्ट्यूट, फिर असेल, फिर एस्ट्रे, फिर बिफेट, फिर बिगेट और फिर बिहेड। मैं आपको बता चुका हूं जब भी वर्ड हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देखना है। आप देखेंगे ऊपर के तीन वर्ड्स में एस कॉमन है, तो एस मेरा स्टार्ट कोऑर्डिनेट हुआ, और एस के लिए जो मेरा कैरेक्टर आएगा उसका नाम है एस, एस यानी गधा। फिर नीचे के जो तीन वर्ड है जैसे बिफेट, बिगेट और बिहेड, इसमें कॉमन आपको बी दिख रहा है, तो बी से मेरा कैरेक्टर आता है हनी बी। मैं आपको बता चुका हूं मेरा पहला फॉर्मूला है फर्स्ट कोऑर्डिनेट राइमिंग साउंड, यानी पहला कोऑर्डिनेट होगा और बचे हुए वर्ड का हम राइमिंग साउंड लेंगे। राइमिंग साउंड यानी मिलता जुलता साउंड, जैसे कैट, बैट, मैट, पैट, रेट, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। चलिए इसी फॉर्मूले से अब हम ये वर्ड्स याद करना शुरू करेंगे। सबसे पहला वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर, कनिंग या चतुर। याद करते हैं, एस से मेरा कैरेक्टर आ गया एस यानी गधा। ट्यूट का राइमिंग ले लिया टूटना, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो एस राजा से एक चतुर मंत्री को, या बीरबल समझ लें, चतुर मंत्री को बात करता हुआ देखता है और खुद टूट जाता है, बिखर जाता है, तो एस्ट्यूट का मतलब हो गया क्लेवर या चतुर। अगला वर्ड देखते हैं असेल। असेल का मतलब होता है अटैक करना, हमला करना किसी पे। एस से मेरा कैरेक्टर आ गया एस यानी गधा। सेल का मतलब शिप सेल करता है, आपने देखा होगा, तो एस जो है वो शिप को सेल करता हुआ ले जा रहा है, क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए, तो सेल का मतलब क्या हो गया, अटैक करना। अब मान लीजिए ये वर्ड आपके एग्जाम में आ गया, आपको क्या करना है, आप वर्ड को वोकैबमेट्री के लॉक से खोल देंगे। कैसे, असेल, एस और सेल, तो आपको याद होगा एस ने सेल करते करते क्या करा था, अटैक करा था, हमला करा था, तो असेल का मतलब क्या हो गया, अटैक या हमला। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब होता है आउट ऑफ द राइट पाथ, यानी रास्ते से भटक जाना, मार्ग से भटक जाना। अब देखते हैं एस से एस आ गया, ट्रे से ट्रे, तो एस जो है वो पानी की ट्रे लेके जा रहा है और कुछ ही देर बाद वो मार्ग से भटक जाता है, तो एस्ट्रे का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ द राइट पाथ। फिर वर्ड है बिफिट। बिफिट का मतलब होता है सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर समथिंग, शोभा देना किसी भी चीज पे, जैसे बिफिट करती है अगर कोई चीज आप पे तो वो आप पे शोभा देती है। जब भी वर्ड बी ई से स्टार्ट होता है, बी से मेरा कैरेक्टर आता है हनी बी, जिसे हम हिंदी मधुमक्खी कहते हैं, बी से आ गया हनी बी, फिट से फिट, तो हनी बी आज फिट कपड़े पहनी है और वो कपड़े उस पे बड़े शोभा दे रहे हैं, तो बिफिट का मतलब क्या हो गया, शोभा देना। फिर बिगेट। बिगेट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, जन्म देना। बी से आ गया हनी बी, गेट से गेट, तो हनी बी गेट पर, एक महल के गेट पर बच्चे को जन्म देती है, तो बिगेट का मतलब क्या हो गया, टू प्रोड्यूस या जन्म देना। फिर बिहेड। बिहेड का मतलब होता है सर कलम कर देना, जिसे हम लोग डिकैपिटेट भी बोलते हैं। बी से आ गया हनी बी, हेड से हेड, तो हनी बी ने एक बंदे का हेड काट के उसका सर कलम कर दिया, तो बिहेड का मतलब हो गया
टू डिकैपिटेट या सरकलम करना। तो फ्रेंड्स जितने भी वर्ड्स मैंने पढ़ा दिए हैं इसको मैं रिवाइज कराऊंगा, रिवीजन थोड़ा फास्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला वर्ड एस्टूट यानी चतुर, तो एस्टूट जाता है एक चतुर मंत्री को राजा से बात करता हुआ देखकर। फिर असेल, असेल का मतलब अटैक, तो एस सेल करता हुआ ले आ रहा है शिप को और अटैक करने के लिए, असेल का मतलब अटैक। फिर एस्ट्रे, एस्ट्रे का मतलब होता आउट ऑफ राइट पाथ, तो एस जो है ट्रे लेकर जा रहा था और मार्ग से भटक गया। फिर है बिफिट, बिफिट यानी शोभा देना, तो बी ने आज फिट कपड़े पहने और वो बड़ी ही शोभा दे रही है। फिर है बिगेट, बिगेट का मतलब जन्म देना, तो हनी भी गेट पर बच्चे को जन्म देती है। फिर है बिहेड, बिहेड यानी सर कलम कर देना, तो बी ने एक बंदे का हेड काट के उसका सर कलम कर दिया। तो फ्रेंड्स ये वर्ड्स हमने याद कर लिए हैं, अब हम देखेंगे ये वर्ड्स हमें याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो एग्जाम में आए हैं इन्हीं के लेकर, और हम और आप मिलकर सही आंसर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब ये जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, कैसे इसके ऑप्शन आते हैं, वो हम लोग देखते हैं और एग्जाम में आए हुए वर्ड्स को ही हम लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। पहला वर्ड आया था एस्ट्यूट। एस्ट्यूट कैसे पूछा गया था, उसके चार ऑप्शन आए थे। पहला आया था प्रोफेशनल, फिर था क्लेवर, फिर एरोगेंट और फिर फूल। अब इनमें आप देखिए हमें स्टोरी याद आ रही है, एस टूटा था, क्यों टूटा था, एक क्लेवर आदमी को राजा से बात करते हुए देखे, तो सही ऑप्शन क्या हुआ एस्ट्यूट का, क्लेवर। फिर हम देखते हैं असेल, असेल वर्ड के लिए चार ऑप्शन कौन कौन से आए थे। पहला आया था कॉल, फिर शाउट, फिर अटैक और फिर था लुक। अब हम देखते हैं एस सेल करता हुआ जा रहा था क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए, तो सही ऑप्शन क्या हुआ अटैक, तो असेल का मतलब हो गया अटैक और ये हमारा राइट आंसर है और इसको हमने टिक लगा दिया। फिर वर्ड है एस्ट्रे, एस्ट्रे किस तरह से आया था एग्जाम में, उसके चार ऑप्शन देखते हैं। पहला था लुक अपॉन, फिर था गिव लेस, फिर था बीट हार्ड और फिर था आउट ऑफ द राइट पाथ। तो हमें याद आता है एस्ट्रे लेकर जाता है और क्या हो जाता है आउट ऑफ द राइट पाथ, तो एस्ट्रे का मतलब क्या हो गया आउट ऑफ द राइट पाथ। फिर वर्ड था बिफिट, बिफिट के लिए हमारे पास ऑप्शन थे सुटेबल फॉर, रेस्ट्रिक्ट, मैनेज और क्रिएट। अब हमें याद आता है बी ने फिट कपड़े पहने थे और वो क्या कर रहे थे, उस पर बड़े सूट हो रहे थे, तो बिफिट का सही आंसर है सुटेबल फॉर यानी शोभा देना, तो हनी बी पे फिट कपड़े शोभा दे रहे थे। फिर वर्ड था बिगेट, बिगेट के लिए ऑप्शन थे टू प्रोड्यूस, टू लीव, टू कैच और आखिरी ऑप्शन था टू चेक। अब हम देखते हैं बी ने गेट पर क्या करा था, बच्चे को प्रोड्यूस करा था, जन्म दिया था, तो बिगेट का मतलब क्या हो गया टू प्रोड्यूस या जन्म देना। अगला वर्ड था बिहेड, बिहेड के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आए थे, स्पीक द ट्रूथ, कट द हेड, बिकम एक्टिव और था मूव द वेपन। अब वर्ड के अंदर चलते हैं, बी और हेड, तो बी ने हेड क्या करता था, काट दिया था, सरकलम कर दिया था, तो सही ऑप्शन है कट द हेड। तो फ्रेंड्स जो वर्ड्स हमने पढ़े इस तरह से एग्जाम में आते हैं और हमें वोकैबुलरी कैसे मदद करती है इन वर्ड्स को याद करने में, ये आप देख चुके हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप और भी वर्ड्स याद करना चाहते हैं और इस तरह से अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करना चाहते हैं और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाकर डालना है DLC द लर्निंग क्लब ऐप और उसको वहां से डाउनलोड कर लेना। एक और बात बताना चाहता हूं, ऐप पे कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज के लिए हम कॉस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा एक ऑफर है, अगर आप कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं आई हैव डाउनलोडेड दिस ऐप थ्रू दिस मेल और थ्रू दिस मेल में आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं, जिस ईमेल एड्रेस से आपने मेरे ऐप को डाउनलोड करा है, तो आपको डेमो पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट उसी समय विद इन 2 आवर्स आपको दे दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करिए और कमेंट बॉक्स पे अपना ईमेल एड्रेस डालिए, ईमेल एड्रेस डालते ही आपको डेमो पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।